हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, आज के दिन हम बात करने वाले हैं फ्रांस के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रॉड में अपना स्टडीज़ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ट्यूशन फी उनके लिए एक चैलेंजिंग रोल प्ले करता है, साथ में उस कंट्री की कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्यों फ्रांस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। रीज़न बीइंग कि फ्रांस में आपको काफ़ी सारे ऐसे मास्टर्स प्रोग्राम मिल जाते हैं जिनका जो ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन रहता है वो सिर्फ 1 ईयर रहता है। और वहीं अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो जो ट्यूशन फ़ी रहती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, वो आपको सम हाउ 10 लाख से 12 लाख के बीच में पे करना है। और उसके बाद में जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा रहता है वो आपका रहता है 2 ईयर्स। इसका मतलब 12 मंथ्स का मास्टर्स करने के बाद आपको 24 मंथ्स का स्टे बैक का एक ऑप्शन मिल सकता है। और साथ में आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है, शेनिगन वीज़ा। येस, यू विल बी गेटिंग शेनिगन वीज़ा एंड शेनिगन वीज़ा विल गिव यू एन एडवांटेज वेयर यू कैन मूव इन टू एनी शेनिगन कंट्री विदाउट एनी एडिशनल वीज़ा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर फ्रांस आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, जैसे MSc इन लग्जरी मैनेजमेंट, साथ में आपको फैशन डिज़ाइन जैसे प्रोग्राम मिल जाते हैं, आपको ग्लोबल MBA मिल जाता है, MBA इन आप डेटा साइंस मिल जाता है यहाँ पर आपको। साथ में अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स में भी आपका बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल जाता है, आपको बैचलर्स इन मैनेजमेंट मिल जाता है, बैचलर्स इन हॉस्पिटैलिटी मिल जाता है और लग्जरी डिज़ाइन मैनेजमेंट भी प्रोग्राम आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको अगर आप बैचलर्स करना चाहते हैं तो बैचलर्स के लिए आपका सिर्फ 12 इयर्स का एजुकेशन रिक्वायर्ड है। जैसे कि जर्मनी में आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, यहाँ पर जर्मनी में बेसिकली अगर आप बैचलर्स के लिए जाना चाहते हैं तो या तो आपको वहाँ पर फाउंडेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ्स, या फिर आपको अपना 1 ईयर का एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट करना पड़ेगा या स्टूडियन गोली के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस में आप अपना 12 ईयर्स के एजुकेशन के साथ जा सकते हैं। साथ में फ्रांस में आपको काफ़ी ऑप्शंस ऐसे भी मिल जाते हैं, यहाँ पर आप MOI के बेसिस पे भी आप फर्दर अपना एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रांस वुड बी वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर यू इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अब्रॉड स्टडीज़। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन कौन से प्रोग्राम हैं, तो स्टे कनेक्टेड विद मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।